हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं CRPF एकेडमी में अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। मेरा सिलेक्शन CAPF ACS 2015 एग्जामिनेशन में हुआ था। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, UPSC ने CAPF ACS 2017 के इंटरव्यू की डेट अनाउंस कर दी है। इंटरव्यू 7 मई से 17 मई के बीच होंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से इंटरव्यू के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसको शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं जो रिटन एग्जामिनेशन में सफल कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू आपके पर्सनैलिटी का ओवरऑल एनालिसिस होता है। आप बचपन से लेकर अब तक जैसे ग्रो किए हैं उसकी पूरी एनालिसिस होती है, उसका पूरा निचोड़ होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरव्यू में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके इंटरव्यू का 50 से 60% पोर्शन कवर करता है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले नेम, आपको अपने नेम का मीनिंग, उसका सिनोनिम, और उस नाम से कोई फेमस पर्सनालिटी हो उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर बात आती है बर्थ प्लेस की, जहाँ आपका जन्म हुआ है उसके बारे में आपको थ्योरली पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, डेमोग्राफी, आपने जहाँ से एजुकेशन लिया, स्पेशली ग्रेजुएशन जहाँ से किया है उस सिटी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में, अपने कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में आपको विस्तृत रूप से अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, फिर बात आती है जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो, हुआ हो, या कोई महत्वपूर्ण दिवस हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इंटरव्यू में माध्यम उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल फील करते हैं उस मीडियम में आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने में हेजिटेट करते हैं तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं बोर्ड के सामने कि सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मे आई स्विच इन हिंदी। तो इससे इंटरव्यू पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और आज इंटरव्यू में जाने से पहले आपको CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, इनका रोल पता होना चाहिए और इन कब इस्टेब्लिश हुई थी, इनके मोटो, स्पेशली जो आपकी फर्स्ट चॉइस है उसके बारे में आपको बहुत ही बारीकी से पता होना चाहिए। इसके बाद आती है बात प्रेफरेंस की। आपको अपने प्रेफरेंस को जस्टिफाई करना होगा। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, वाई CISF इज फर्स्ट प्रेफरेंस, वाई CRPF इज फर्स्ट प्रेफरेंस। और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने इस पर्टिकुलर फोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस से क्यों रखा है, उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रोल। असिस्टेंट कमांडेंट को पहला रोल कंपनी कमांडर का मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कमांडर का क्या रोल होता है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। करंट अफेयर्स पे भी आपको बहुत फोकस करना होगा। करंट अफेयर्स में आपको सिक्योरिटी इशूज, नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज भी पूछे जाएंगे। आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर तैयार करके रखना होगा। आपसे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में, करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं सिक्योरिटी के, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है DAF में जो आप जानकारी भरें, वो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास हो। इधर उधर की बातें मेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपकी हॉबी है,
जो आप रियल में जो आपकी हॉबी है उसके बारे में लिखिए और उसका जस्टिफिकेशन अपने पास रखिए, उसकी पूरी जानकारी अपने पास रखिए। इस आप जो है गूगल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जुटा सकते हैं अपनी हॉबी के बारे में। फिर आपसे जनरल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आप कंपनी कमांडर हैं और ये आपका जवान कोई इनडिसिप्लिन करता है और आप जो है उसको वार्न करते हैं फिर भी वो नहीं मानता, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे। मतलब ऐसे आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जज किया जाएगा कि आप कैसा सोचते हैं, आप रिएक्शन कैसा देते हैं, रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं किसी इंसिडेंट के बात। और मैं अपने इंटरव्यू के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं एंटर किया इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तब सबसे पहले चेयरमैन ने मेरा डीएफ फॉर्म से उन्होंने मेरे बारे में एक थरली रीड किया कि आपका नाम ये है, आपने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरा पूरा डीएफ बहुत ही कम टाइम में रीड किया। फिर उन्होंने जैसे मेरे नाम की मीनिंग पूछी और जो मेरा डेट ऑफ बर्थ था उस दिन पूछा कि किसी फेमस पर्सनालिटी का डेट ऑफ बर्थ होता है क्या इस दिन, ऐसे करके इंटरव्यू बढ़ता गया। और पांच चेयरमैन और चार मेंबर थे, सब ने कुछ ना कुछ पूछा, किसी ने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, किसी ने करंट, किसी ने सिक्योरिटी रिलेटेड। जैसे कि उस समय बीफ का मुद्दा बहुत हाइप था, तो मुझसे पूछा कि क्या बीफ को बैन कर देना चाहिए, तो मैंने बोला कि सर कोई भी काम जो किसी भी धर्म या किसी भी जात की भावनाओं को आहत करते हैं ऐसे काम हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि बीफ बैन होना चाहिए नहीं। तो मैंने बोला सर बीफ ही क्यों, किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, इट्स वायलेंस। तो उन्होंने फिर इस क्वेश्चन को, फिर उन्होंने मुझे लगा कि वो कन्विंस हो गए, फिर उन्होंने दूसरे बोर्ड के मेंबर को पास कर दिया क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप अगर कंपनी कमांडर हो और आपका एक जवान रोज़ सुबह 4 से 5 कहीं चला जाता है और आप फिर क्या करोगे, तो इसी टाइप का आपको सिचुएशन दी जाएगी और 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आपका साइकोलॉजी आपकी चेक की जाएगी, आप कैसा सोचते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में ब्लफ नहीं करना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप बोल दिए सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, इट्स ओके। इससे इंटरव्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि सभी को सब कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो मेरी यही सलाह है कि आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करें, 6 से 8 मंथ की जो करंट अफेयर है उसको थोरली फॉलो करें और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने स्टेट के बारे में स्पेशली तैयारी करें। स्टेट के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने स्टेट की 5 बेसिक प्रॉब्लम्स बताइए जो आपका स्टेट फेस कर रहा है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको थॉरली पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता करने के लिए आप गवर्नमेंट की ई गजट्स हैं, आप गूगल करके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ई गजट डाउनलोड करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप प्रीवियस मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करिए, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कि आप बी नेचुरल, ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती इंटरव्यू में। आप जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सप्रेस करिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि जो सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो काफ़ी अनुभवी है, उसको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन से, बातों से वो सामने आ जाता है।
सो बी नेचुरल। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि इंटरव्यू के टाइम अपनी नेचुरलिटी को भूल जाते हैं और हम पहले से प्रिजुडिस हो रहते हैं कि हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ये बोलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एकदम जो आपका मौलिक विचार है आप उसको प्रेजेंट करिए वहाँ, क्योंकि सभी के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। कोई किसी चीज़ को डिफरेंट वे में सोचता है, कोई डिफरेंट वे में, तो दोनों अपनी जगह सही होते हैं। तो आप लोग अभी से इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए, जो जिन लोगों ने भी तैयारी नहीं शुरू की है, क्योंकि आपके पास 15 से 20 दिन और बचे हुए हैं। अपना मेन फोकस DF पर रखिए, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपने एक एक वर्ड जो मेंशन किया है, एक एक वर्ड महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका 50 से 60% इंटरव्यू उसी पे बेस्ड होता है। आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है और आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इंटरव्यू का दायरा बहुत ब्रॉड होता है। आप उसको एक किसी एक संकुचित उसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इंटरव्यू इसी पे बेस्ड होगा, बट एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि क्या क्या पूछा जाता है। तो आपको CAPF के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, रोल ऑफ कंपनी कमांडर, वाइस एनी फोर्स इज योर फर्स्ट चॉइस, इसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। करंट अफेयर्स में ज़्यादा अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बर्निंग इश्यूज हैं उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट जजों के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में आपके थॉट्स जाने जा सकते हैं, और अभी जो SC ST Act में जो चेंज हुआ उसको उसको अच्छे से तैयार करिए। क्या चेंजेस हुए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो और जो 2-4 दिन पहले की घटनाएं हैं, जैसे PM विजिट, PM का कोई स्टेटमेंट जो बर्निंग इशू रहा हो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं, तो मैंने कहा हाँ सर, जब मौका मिलता है तो मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ। तो उन्होंने बोला एक एग्ज़ाम्पल कोट करो जो आपने दूसरे की हेल्प की थी। तो मैंने एग्ज़ाम्पल बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कभी ब्लड डोनेट किया है, तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे मौका नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, मैंने बोला सर बिल्कुल करना चाहिए। तो ऐसे आप इंटरव्यू को जो है आप नेचुरल तरीके से देना चाहिए, आपको ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा आप हैं वैसा अपने आप को प्रेजेंट करिए, आप पूरा विश्वास रखिए कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको जो आप हैं वही आप अगर उन्हें दिखेंगे तो वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रिसिएट करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, इंटरव्यू किसी के भी सिलेक्शन को निर्धारित करता है। आप इंटरव्यू की वजह से इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू में 100 वे स्कोर करके उनके रिटर्न में कम मार्क्स थे फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू में जहाँ मार्क्स की बात है तो 90 to 100 वेरी गुड मार्क्स माने जाते हैं और 100 अब एक्सीलेंट। और जहाँ तक एक कैसे मार्क्स कितने मार्क्स तक मिल जाते हैं, तो
जैसे कि मेरे बैच में CAPF 2015 में मिनिमम 62 मार्क्स थे और मैक्सिमम 108। मैं जितना मैं जानता हूँ तो इसके हिसाब से 62 नंबर मिनिमम थे और 108 नंबर मैक्सिमम थे। तो अगर आप 95 to 100 स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार फिर मैं सभी साथियों को जो रिटर्न एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेष देना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।